जिन्हें हम देखें, नेपाल के लोग, काठमांडू के लोग भी हैं और भी लोग, सुनने वाले तो दूर दूर के देशों के लोग भी हमारी बातों को सुनते होंगे, पर भारत में आज देखें कितने संत हैं और कितने ग्रंथ भारत के पास हैं। हम प्राचीन ग्रंथों को देखें, ये मेरे हाथ में आयारो है, ये प्राकृत अर्धमागधी जैसी भाषाएं हैं, पाली में है, संस्कृत भाषा में देखिए, अब भगवद गीता लोक और लो, ये कई संस्कृत भाषा में, हमारे जैनों में एक औरों में कितने संस्कृत में भी ग्रंथ हैं और अर्वाचीन ग्रंथ भी हो सकते हैं। ये ग्रंथ हैं कितने ज्ञान के खजाने, तो कितना ज्ञान है तो भारत के पास आज ग्रंथ संपदा भी है। विजयदशमी की बात, अब ठीक है रामायण का अपना एक क्रम है, राम लक्ष्मण इधर रावण की बात है, अब ठीक है दस शीर्षावसान महोत्सव, मैं संस्कृत शब्दावली में बोलूं तो दस रहा, दस शीर्षावसान यह महोत्सव, दस सिर वाले के अवसान का दिन है। तो हालांकि जैन रामायण के अनुसार यह आज की तिथि नहीं भी हो, जेठ महीना हो सकता है, जैन रामायण के अनुसार राम की जगह लक्ष्मण ने वध किया रावण का, यह बात, यह रामायणों में कुछ कुछ अंतर हो सकता है। रामायण की यह बात है कि रावण का वध हुआ, हालांकि रावण के प्रति भी हमें द्वेष नहीं करना चाहिए कि हम तो समता है, तो रावण के प्रति द्वेष नहीं कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। तो रावण भी इंसान था, और जैन रामायण के संदर्भ में मैं देखूं तो रावण में कुछ विशेषताएं भी थी, रावण कोई सामान्य आदमी नहीं था। रावण एक समय में बड़ा चरित्रवान आदमी भी रहा था, और रावण के संकल्प था कि अन इच्छन्ति के साथ मैं बलात्कार नहीं करूंगा। इसी का परिणाम माने कि सीता जी इतने दिन वहां लंका में रही, परंतु रावण ने वैसा कोई बलात्कार, वैसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि रावण का नियम था कि मुझे बलात्कार नहीं करना। तो कितना बढ़िया संकल्प था। और रामायण में ढाल में पुरुष पनोता जे हुए परत्रिय मन नहीं लावे, एक समय रावण ने कहा, कोई प्रसंग चला तो रावण ने कहा, जो पुरुष पनोता, मान लो उत्तम अच्छे आदमी, कुलीन अच्छे आदमी होते हैं, तो परस्त्री की इच्छा भी नहीं करते, यह बात रावण ने जैन रामायण में आती, यानी रामायण में हम जैन रामायण में के रावण यूं एक चरित्रवान आदमी था, इधर विद्या संपन्न आदमी, विद्याओं की साधना करने वाला भी एक रावण था। तो अब इंसान है, मान लो जो भी भूल कह दें, प्रमाद जो कुछ भी हुआ, आखिर रामायण में जैसा आता है कि रावण का वध भी हुआ, और रावण भी कितना शक्तिशाली एक व्यक्ति था, कितनी शक्ति रावण के पास थी, परंतु आखिर लक्ष्मण जी की जो स्थिति बन गई थी, लक्ष्मण जी की एक बार भयंकर स्थिति जो बन गई थी, किस प्रकार वे मानो मूर्छित वैसे हो गए थे, और राम के लिए और कितना चिंता का मानो विषय लक्ष्मण की यह स्थिति बन गई। तो परंतु जड़ी बूटी कह दें चाहे विसल्या की बात, जैन रामायण में विसल्या की बात है, वो सारा योग मिला सूर्योदय से पहले पहले, वो चिकित्सा होना चाहिए तो सूर्योदय होने के बाद नहीं, पहले पहले करो। तो हमारे रामायण में हम लोग परंपरा तो यह निभाते हैं, जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगती है उसी दिन के उसी व्याख्यान में वापिस शक्ति को निकालते भी हैं कि सूर्योदय से पहले पहले शक्ति को निकालना, फिर तो कठिनाई है। तो हम उस
परंपरा को निभाते हैं। मैं भी जब कि मैं प्रायः उसी व्याख्यान में शक्ति लगा दी, लग गई, फिर शक्ति को वापिस निकालने की बात भी करते हैं। और सीता जी का हरण हो गया था और रामचंद्र जी के भी एक तरह से मन पर काफ़ी असर हो गया था। मैं आज की भाषा में बोलूं तो थोड़ा डिप्रेशन में जैसे आदमी चला जाता है, रामचंद्र जी मानो सीता जी के हरण के बाद सीता जी मिली नहीं, डिप्रेशन में चले गए, ऐसे हो गए। और बाद में हनुमान जी जब एक गए जब लंका, तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को संदेश दिया कि सीता जी को, सीता को मेरा संदेश कहना। कपीरे प्रिया साथे कहे, कपीरे प्रिया साथे कहे, ओ हनुमंत प्रिया साथ, ओ हनुमंत प्रिया साथे कहे, जीव राम नो तुझे पास, जीव राम नो तुझे पास, देह ए हर है कपीरे प्रिया साथे कहे, ओ हनुमंत प्रिय साथे कहे। जब हनुमान जी जा रहे थे तो रामचंद्र जी बोले, हनुमान तुम जाओ सीता के पास और मेरा संदेश सीता को बताना। एक संदेश दिया है वो पद्यों में है। पहली बात यह मानो कि सीता को यह बोल देना कि राम का शरीर तो यहाँ है, राम का जीव तो सीता के पास ही है। यानी और भी कई यो बातें कि न खाने में रुचि है, न वो है, न वो है। तो यह जो रामायण का प्रसंग है, आखिर फिर रामचंद्र जी आदि लंका उधर पहुँचते हैं और जो युद्ध का वर्णन है रामायण में कैसे युद्ध होता है, आखिर वो चक्र का प्रयोग किया जाता है और चक्र के द्वारा लक्ष्मण जी के द्वारा रावण का वध हुआ, ऐसा जैन रामायण में आता है। क्योंकि हम दूसरी तरफ देखें कि भाई बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा भाई खुद तेज है तो बड़ा भाई यह परिश्रम क्यों करे, छोटा भाई काम कर सकता है तो छोटे को मौका दे दिया होगा कि तुम ये काम करो। और यूँ वासुदेव के हाथ से वो वध की बात भी मान लें तो वह चक्र के द्वारा शिरश्छेद जो रावण का हुआ, तो इसको लेकर कोई हमें रावण के प्रति भी द्वेष नहीं करना चाहिए। इंसान है, गलतियां भी हो सकती है, परंतु आदमी गलती हो जाए सुधार करने का प्रयास करे। यह तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये अंधकार से प्रकाश की ओर, जो कमजोरियां तामस गुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको हम निकालने का, सद्गुणों से जीवन को भरने का प्रयास करें। तो भारत में जो ये ग्रंथ हैं, ये रामायण जैसे महाभारत में लो और हमारे जैन मो आचारांग देखो, भगवती देखो, पन्नवना देखो, भगवद गीता देखो, इधर संस्कृत में भागवत और कितने कितने वेद आदि आदि कितने ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भी हमें ज्ञान मिल सकता है। इतने संत हैं
तो संतों से सन्मार्ग प्राप्त हो सकता है। इतने पंथ हैं, जैन बौद्ध सनातन कितने कितने हैं, तो पंथों से भी पथ दर्शन मिल जाए। तो ये विजय दशमी की बात है। तो विजय शास्त्र में कहा गया, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जये जिने एगम जिनेज्ज अपानम एस से परमो जाओ, कि 10 लाख योद्धाओं को कोई जीत ले वो जय तो है, पर एक अपनी आत्मा को जीत ले वो परम जय हो जाती है। अपने अहंकार लालसा इन सब को जो जीत ले। अब रामचंद्र जी और भरत जी थे। अब जब उत्तराधिकार की बात आई तो दशरथ जी ने रामचंद्र जी से कहा कि बेटा अब मुझे तो भार सौंपना है, यानी अब जो भी संन्यास साधना मुझे तो भार सौंपना है। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा चिंतन है कि मैं उत्तराधिकार भरत को सौंपूँ, और इसका कारण यह है तुम्हारी माँ कैकेयी उसको मैंने वरदान दिया था, अब उसने वरदान मांग लिया है, कैकेयी की इच्छा है यानी वरदान मांगा है कि मेरे अंग जात भरत को आप उत्तराधिकार सौंपो, तो मैं भरत को उत्तराधिकार सौंपने का मैंने सोचा है। रामचंद्र जी बोले, पिताश्री इसमें क्या बात है, दाई बाई आँख में क्या फर्क है, हम तो भाई हैं, आप आराम से भरत को सौंपिए, एक ही बात है, राम और भरत में क्या फर्क, आप भरत को अच्छी तरह सौंपिए। भरत से दशरथ जी बोले, बेटा अब उत्तराधिकार संभालना है। भरत जी बोले, पिताश्री बिल्कुल नहीं, भाई जी बैठे हैं ना रामचंद्र जी, इनको सौंपो, मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे ले लूँगा। कहा नहीं नहीं कारण है भी, पिताजी आप भाई जी को सौंपो। भरत जी अड़ गए कि मैं तो नहीं लूँगा, भाई जी के बैठे मैं थोड़ा ही लूँगा उत्तराधिकार, भाई जी के रहते मैं नहीं लूँगा, कैसे हो सकता है। रामचंद्र जी पास में थे, बोले पिताश्री भरत ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, इसने क्या कहा है कि भाई जी के रहते मैं नहीं लूँगा, भरत पक्की बात आने पक्की बात है, आपके रहते मैं थोड़ा ही लूँगा उत्तराधिकार। पिताश्री ठीक कह दिया इसने, भाई जी के रहते मैं उत्तराधिकार नहीं लूँगा, मुझे वनवास की आज्ञा दीजिए, मैं नहीं रहूँगा और पीछे भरत को उत्तराधिकार संभालना पड़ेगा। अब भरत जी पकड़ में आ गए, उन्हीं के शब्द थे। रामचंद्र जी बोले, अब तुम्हें संभालना पड़ेगा। रामचंद्र जी वनवास के लिए रवाना होते हैं। दशरथ जी बोले, भरत संभालो उत्तराधिकार। बोला पिताश्री मैं तो नहीं संभाल सकता, कि तुमने कहा था ना कि मैंने सहज भाव से मत जो भी कह दिया, आप प्रतीक्षा करो, मैं जाता हूँ भाई जी को वापिस लेकर के आता हूँ, भाई जी को ही सौंपना है। अब भरत कई कई और जाते हैं, जो आगे बढ़ चुके थे रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी उनके पास गए, और कई कई बोली राम मेरे से गलती हो गई, मैंने वैसा वरदान मांग लिया, तुम चलो अब यानी सारा उत्तराधिकार तुमको संभालना। राम बोले कुछ नहीं, भरत को ही संभालना है। भरत ने कहा नहीं मैं तो नहीं, नहीं नहीं क्या करते हो, तुम्हें संभालना है। इधर सीता जी बड़ी चतुर, एक वो घड़ा जल कलश भर के कलश जल लाई। रामचंद्र जी ने कहा ठीक काम कर दिया सीता ने, कलश में यहीं पर अभिषेक कर देता हूँ। रामचंद्र जी ने वहाँ जंगल की जो एरिया थी वहीं भरत का अभिषेक कर दिया कि अयोध्या नरेश भरत, अयोध्या नरेश भरत, अब तुम राजा हो संभालो। अब तो भाई जी का आदेश हो गया, बड़े भाई का आदेश तो कैसे लंघन करे। तो भाई जी राज्य तो आपका ही है, मालिक आप ही हैं, मैं तो एज ए मैनेजर जब तक आप नहीं लौटते हो तब तक रखवाली करूंगा, मालिक तो आप हैं, मैं तो रखवाला हूँ, ट्रस्टी रखवाला रखवाली करने वाला हूँ, बाकी मालिक आप, जब तक आप नहीं आओ वापिस तब तक मैं संभाल लूंगा। अब देखिए
कई बार तो कुर्सी के लिए लड़ाई, कुर्सी मैं लूंगा, वो कह मैं लूंगा, या मनुहार कह मैं नहीं, तू तू मैं नहीं, तू मैं नहीं, तू। तो ये भीतर की लालसा आकांक्षा इनको हम छोड़ दें, ये विजय, बड़ी विजय हो सकती है। तो ये जो विजय दशमी की बात है, दशरावे का दिन है, हम रावण से द्वेष न करें, पापी से नहीं पाप से घृणा करें। तो रावण भी एक विद्वान आदमी, विद्यावान आदमी भी था, एक एक समय तक वो बहुत चरित्र संपन्न भी था, और लगता है सीता जी का हरण करने के बाद भी उसने रावण में अपना संकल्प रखा कि अन इच्छंती के साथ बलात्कार यों नहीं करना। फिर भी हम रावण के जो भी गलती इंसान से मान लो हो जाए, तो हम दुर्गुणों से बचने का और अपने जीवन में सद्गुणों का विकास करने का प्रयास करें। और रा उच्चरता मुख थकी पाप पलाई जाय, मति फिर आवे तेह थी ममो किवाड़ी थाय। कि राम बोलते हैं रा और मैं, रा बोलते हैं मुंह खुल जाता है, मैं बोलेंगे तब मुंह बंद हो जाए। ऐसा क्यों होता है कि रा बोले तब भीतर में जो पाप हैं रा रा, तब वो पाप बाहर निकल जाएं। तो मैं बोलते समय वापिस होठ बंद क्यों होते हैं कि जो पाप बाहर निकला है वह वापिस अंदर आने जाए, इसलिए मुंह बंद हो जाता है, होठ बंद हो जाते हैं। तो ये रामायण की अनेक बातें हैं, हम जीवन में सद्गुणों का विकास करें, यह काम्य है।